इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर में भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। कहानी के सहित उनकी बहुओं और बेटियों ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जीम लो। यह सुनकर उसने अपने भाइयों भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे दो, परंतु वे इस कांड को जानती थी उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ लेकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में भी था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा लिया। इस प्रकार उसकी श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। जय जय माता की जय। जय एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया नृत्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे और क्या मांगे। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले और बहू ने कहा पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा, बेटा बहू तो अपने अपने मतलब से बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू और पड़ोसियों की बात सुनकर घर जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज भी मांग लूँ। तब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है। हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझ 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया है, जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दे दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। बोल गणेश महाराज की जय। चढ़ा देंगे या खड़े करके 2-4 दाने इसमें लोटे में डाल लो, बाकी सूर्य देवता के लिए रख लो और अपने पल्ले में बांध लो, शाम को जब चंद्रमा को अर्घ देना।
यहाँ पे नहीं चढ़ाना है लोटे में डाल दिया ना लोटे में ये पल्ले को बांध लो शाम को जो ना तो दो चार दाने रख लेना अभी सूर्य इसी में रख देते नहीं तो थाली में सूर्य देव तक इसमें हाँ जो रात को चढ़ाना है ना हाँ तो सामने दिन ज्यादा ना चुन्नी में तो कई बार ध्यान रहे चलो ठीक है इसमें रख लो और आप जो सूर्य देवता को देना दो चार दाने रखे ना सूर्य देवता को दे पहले वो कर देंगे खाली कर लेते सभी आ जाओ भाई तुम्हें नहीं आ रही थी नहीं आ रहे थोड़ा बेटा उठ न मनाईना सुतड़ा जगाईना ना चल चढ़े ते पानी पीना ले ले बीरा कुड़िए करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा मतलब यूट्यूबर मैडम का तो फोन लीजिए तो वही पंजाबी नहीं वही वाला नहीं होता कथा के साथ है ना ये दिखा दो ना ये वाला या तो खाली तुम गाना बार बार रिपीट कर दो सात बार करना है कौन सा वाला वही वाला हाँ अच्छा पंजाबी इधर ही आ जाओ बैठो ना एक तो गया अच्छा चलो बोलिए तब तक बोलिए करवड़ा सर्व सुहागन करवड़ा रोशनी करती I'm not afraid to die.
चक्र फेरी भी वाण जोड़ा पाई भी सुई चधागा पाई भी यार जोड़ी पाई भी रुकड़ा मनाया भी सुख राजा गाया भी बहे बहिना वीरा जै चढ़ते ते पानी पीना ले वीरा कुड़िए करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा जय शिव शंकर पार्वती माता की जय। जिसने जल चढ़ाना था जल चढ़ा दिया।